जनता आपको पूछ रही है आप हमारा क्या हिसाब मांग रहे हैं। और मुझे आपको हिसाब देने की जरूरत नहीं है, मगर दमोह की जनता हमारी माई बाप है, दमोह की जनता हमारी मालिक है। मैं दमोह की जनता को हिसाब देने आया हूं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब भी चुनाव में जनता का आशीर्वाद मांगने के लिए जाते हैं, पाई पाई और पल पल का हिसाब लेकर जाते हैं कि 5 साल तक हमने क्या किया। हमें हिसाब देने में कोई दिक्कत नहीं है महाराज साहब। हिसाब आपने मांगा है, कान खोलकर सुन लो, और सुन सकते हो तो सुनकर सदाई जनता को बताना। 10 साल तक केंद्र में आपकी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। 10 साल तक आपने मध्य प्रदेश को अन्याय किया। 13वां वित्त आयोग में कांग्रेस की सरकार ने, कमलनाथ जी वहां मंत्री थे, महाराजा भी वहां पर सांसद थे, दिग्विजय भी सांसद थे। कांग्रेस की सरकार ने मध्य प्रदेश को, जरा ध्यान से सुना दमोह वालों, कांग्रेस सरकार ने मध्य प्रदेश को 1,34,190 करोड़ रुपया दिया था। कितना दिया था भाई बोलो? 1,34,190। अब जरा बोलो कितना दिया था? ठीक है, अब नरेंद्र मोदी की सरकार बना दी आपने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 14वां वित्त आयोग आया, 3,44,126 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार को दिया। 2,09,000 करोड़ रुपया ज्यादा देने का काम किया है। और मैं अब आपको पूछना चाहता हूं कांग्रेस वालों, इतने साल तक मध्य प्रदेश का युवा का, महिला का, किसान का, दलित का, आदिवासी का, गांव का, ये जो 2,09,000 करोड़ रुपया था वो कहां ले गए? ये दमोह वालों को मैं बताने आया हूं भैया, ये कांग्रेस वाले आएंगे तो आप हिसाब किताब पूछेंगे ना? जरा जोर से बोलो, पूछेंगे कांग्रेस वालों को? ये 2,09,000 करोड़ अपना कहां चला गया, इसका हिसाब कांग्रेस को पूछने की जरूरत है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने इस 4.5 साल के अंदर ये 129 योजनाएं बनाई, किसानों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गांव के लिए, शहर के लिए, गरीब